हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एएमसी जिसे कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ऐसी दो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। होता क्या है और क्या अच्छे रिटर्न हमें मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, और कौन दोनों में से भी कौन सी अच्छी एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कि जिसमें इन्वेस्ट करके हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। ओके, तो हम बिफोर गोइंग अहेड एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है, तो आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो पहले आइए जानते हैं एएमसी होता क्या है। व्हाट इज़ एन एएमसी? एएमसी मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज़ एन फर्म दैट इन्वेस्ट पूल फंड फ्रॉम द क्लाइंट, पुट इन द कैपिटल टू वर्क थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल इस्टेट। तो एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसी कंपनीज होती है जो डिफरेंट क्लाइंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पर एक अमाउंट लेती है, और उस अमाउंट को लेके वो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है। सिंपल मतलब ये है, लाइक म्यूचुअल फंड जिसे आप कहते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अब किसी के पास 500 रुपीज़ होते हैं, किसी के पास 1000 रुपीज़ होते हैं, किसी का लैक ऑफ रुपीज़ होते हैं। तो वो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करता है, एसआईपी करता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि मैं एसआईपी करता हूँ, मैं 500 की एसआईपी मंथली करता हूँ, मैं 10,000 की एसआईपी करता हूँ, 5,000 की एसआईपी करता हूँ। तो अलग अलग अमाउंट अलग अलग लोगों अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या होता है कि हर एक को एक तो शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती, तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। और म्यूचुअल फंड में अब हम यहाँ पर करोड़ों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, तो वो इन कंपनी म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर देते। तो अब कोई शेयर लेना है, किसी को 10 लॉट खरीदने हैं, तो 10 लॉट के लिए या 10 शेयर खरीदने के लिए उसके पास इतना कैपिटल होना चाहिए। बट होता है काफ़ी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, तो उनके पास 500 या फिर 1000 रुपीज़ या फिर 5000 या 10,000 इतना पैसा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे म्यूचुअल फंड को दे देते हैं। म्यूचुअल फंड अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी कैपे अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। और जो भी एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होता है, वो वहाँ पर से निकाल के आपको दे देती है अपना चार्जिंग काट के। तो ऐसी दो एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में हम बात करेंगे जो मार्केट में लिस्ट है और जो इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। तो आइए हम पहले उस एएमसी के बारे में बात कर लेते हैं। पहली है एचडीएफसी, जो आपके सामने दे रखा है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस स्टॉक का प्राइस 2344.05 रुपीज़, मतलब 19 पॉइंट्स की गिरावट आज देखी गई है, और 0.84% की गिरावट देखी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका एक बार डाटा पूरा देख लेते हैं हम। तो देखिए, ये गिरता जा रहा है, डेफिनेटली ये गिरता जा रहा है, हमें देख गिरता हुआ दिख रहा है, अप होता हुआ गिरता हुआ हमें दिख रहा है। बट एक बार मैक्सिमम देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 10 अगस्त 2018 को ये रजिस्टर्ड हुई थी, लगभग लगभग 2 साल से हो चुके हैं, और ये 1748 रुपीज़ पर रजिस्टर्ड हुई थी। और आज भी अगर आप देखते हैं तो 2 साल में लगभग लगभग इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया होगा, आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आज भी देखते हैं तो 35%, 35.46% का यहाँ पर रिटर्न आपको शो हो रहा है। बट आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड आने से पहले ये 22 नवंबर को लगभग 3700-3800 रुपये की ये में इसका शेयर मिलता था, और कोविड से पहले भी अगर देख ले तो 3383, मतलब लगभग 3400 रुपये का इसका शेयर हुआ करता था। तो एचडीएफसी एएमसी जो ये कंपनी है, एक तो ये डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कर्जा नहीं है, तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। और फ्यूचर में अभी ड्यू टू पेंडामिक ये शेयर अभी 2344 रुपीज़ का चल रहा है,
बट जैसे ही पेंडामिक खत्म होगा तो इट हैज़ अ कैलिबर कि ये लगभग 3800 रुपये जो इसका ये हाईएस्ट जो दिखा रहा है यहाँ तक पहुँच जाए। और एनालिस्ट ने यहाँ पर कल बताया भी है कि लगभग लगभग 1 साल में ये 30% का रिटर्न आपको दे सकता है। ये नहीं है कि अभी बढ़ता ही जाएगा, शायद ये गिर भी जाए, ओके, और शायद ये यहाँ से बूस्ट ले ले और पकड़ ले और जंप ऐसे ही मारे कि काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस दे। आज की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था 25 मार्च 2020 को 1962 रुपये का ये शेयर मिल रहा था। 52 वीक हाई इसका 22 नवंबर को 3844 रुपीज़ का है। ओके, आज की डिलीवरीज की एक बार बात कर लेते हैं, तो लगभग 67.24% की डिलीवरी उठाई गई है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से लोग इस शेयर में कितने बुलिश हैं। इसके अलावा कंपनी इंफॉर्मेशन में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो शेयर कंपनी के पास 73.95% के होल्डिंग रखती है ये कंपनी प्रमोटर्स। इसके अलावा पब्लिक के पास 26.05% की इसकी होल्डिंग है। और यहाँ पर कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है और डेट फ्री कंपनी है। कोई भी शेयर गिरवी नहीं है और डेट फ्री कंपनी है। तो इन डिविडेंड डिविडेंड भी अच्छा देती है। 2019 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया, जैसे कि आपको दिख रहा है 6 मार्च को और 4 जुलाई को 12 12 रुपीज़ का, और 9 जुलाई 2020 को इसी साल इसने 28 रुपीज़ का डिविडेंड आपको दिया है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं, खुद एनालाइज फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कंपनी हम बात कर लेते हैं, निपोन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसे नाम इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देख लेते हैं आज के दिन में इसमें 7 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई गई है। 270 रुपीज़ का ये स्टॉक चल रहा है, 2.73। बट अगर हम इसके मैक्सिमम की आप देख लेते हैं, तो ये मैक्सिमम 20 फेब 2020 को, मतलब फरवरी में 20 फरवरी को ये 441 रुपये का ये शेयर चलता था। लगभग लगभग आज भी ये वो काफ़ी कम चल रहा है अगर देख लेते हैं, तो अभी भी 38% ये अभी भी गिरा हुआ है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए इस शेयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर दीजिए। बहुत अच्छी कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है, ये कंपनी भी एक डेट फ्री कंपनी है। तो अभी ड्यू टू कोविड म्यूचुअल फंड, जैसे कि आपको पता ही है म्यूचुअल फंड वर्ग कंपनीज में जो ये है, ये कंपनी अभी दबाव में चल रही है। बट सून जैसे ही कोविड ख़त्म होगा ये सब चीज़, और जैसे कि आपको पता ही है रशिया ने कोविड की दवाई बना भी ली है और लिस्ट भी हो गई है वो कंपनी, तो जल्दी ही शायद इस साल तक ये ख़त्म हो जाएगा। इस साल तक कोविड सबको वैक्सीन मिल भी जाएगी इस साल के एंड तक, और बहुत जल्दी ये रिलीफ होने के बाद ये शेयर भी वो काफ़ी तेज भागेगा। आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो जैसे कि आपको आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, 52 वीक लो 207 रुपये, 52 वीक हाई 20 फरवरी को 52.90 इसका 52 वीक लो है। इसके अलावा 52.50% की डिलीवरी यहाँ पर भी उठाई गई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लोग काफ़ी सारे बुलिश है, क्योंकि अच्छी कंपनी है तो अच्छी कंपनी में लोग बुलिश रहते ही है। और म्यूचुअल फंड की कंपनी है, हर एक को नॉलेज नहीं रहती, तो लोग इधर ही जाते हैं और इधर ही जाके इन्वेस्ट करते हैं, इधर ही पैसा अपना देते हैं, और ये कंपनी पैसा निकाल के अपने प्रमोटर्स को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करके देती है। 10 12 15 20 जो भी इनका प्रॉफिट होता है वो कंपनीज देती है। तो आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है कोई भी शेयर इनका गिर भी नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, प्रमोटर के पास 75.92% की शेयर की होल्डिंग है, और इसके अलावा पब्लिक के पास 24.08% की होल्डिंग्स है। डिविडेंड के मामले में ये कंपनी भी अच्छी है, 18 में 1 रुपीज़ का, 19 में 3 रुपीज़ का, फिर 3 रुपीज़ का, और 20 में अभी तक 2 बार 3 और 2 रुपीज़ का ये आपको डिविडेंड दे चुकी है। और इस कंपनी को IPO भी काफ़ी टाइम नहीं हुआ, ये केवल 2017 में 285 रुपीज़ पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी। ओके, लगभग उसी रेट पे चल रही है, बट अच्छा खासा ये रिटर्न देने आपको दे सकती है, 441 रुपीज़। अभी भी इसमें काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी आपको आप देख सकते हैं, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। और इन दोनों में कंपेयर किया जाए कि रिलायंस, ये नाम इंडिया, एक्चुअली ये रिलायंस नाम इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, नाम इंडिया और HDFC AMC के बारे में अगर दोनों में से कंपेयर किया जाए तो कौन सी अच्छी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि HDFC थोड़ी बेटर है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल भी अच्छा है। ओके, काफ़ी बेहतरीन कंपनी नज़र आती है। ओके, बट दोनों ही कंपनी में आप चाहो तो आधा आधा इन्वेस्ट कर सकते हो।
आधा इन्वेस्ट आप नाम इंडिया में कर सकते हो, आधा इन्वेस्ट आप HDFC AMC में भी कर सकते हो। तो आप देखिए, वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए और काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।